सबके साथ है। तुम अपना तो कह रहे हो, मेरी भी तो देख लो, फैक्ट्री में 100 आदमी काम करते हैं, उन सबको मैं खिला पिला रहा हूँ, किसी से पूछ लो, किसी को मैंने कोई परेशानी नहीं दी। अपना तुम दे रहे हो और मेरे को पैसे तुम देते नहीं, अपना देखो स्टॉक कितना है। और कोरोना की आड़ में जो दुकानदार है ना, हम लोगों को बेवकूफ बना रहे हैं, आंखों में धूल झोंक रहे हैं। क्यों, कभी सोचा तुम लोगों ने कि फैक्ट्री वालों का क्या हाल है? इतनी लेबर है तुम्हारे पास, तो 4-5 आदमी सेल्समैन है, मेरे पास 100 आदमी काम करने वाले हैं, उनका पेट कैसे पाल रहा मुझे पता है। सारी एफडी खत्म हो गई, मेरी कुछ पैसा नहीं बचा मेरे पास, मैं लोगों से अपने पैसे लेने जा रहा हूँ, ऐसे लगता है जैसे मैं भीख मांग रहा हूँ, तब भी मुझे कोई पैसे नहीं देता, क्यों? भाऊजी मेरी बात तो सुनो। ये भाऊजी मैं सुनने नहीं आया, ये तेरी कहानी नहीं है, मैं एक सब दुकानदारों की कहानी बता रहा हूँ। माल तो लेते हैं, पेमेंट देने में क्यों प्रॉब्लम होती है? हमारा भी सोचो, तुम समझ रहे हो मेरी बात? नहीं समझ रहे हो? अभी मैं तुम्हारे को सैंपल दिखाऊंगा तो तुम ऑर्डर देने लग जाओगे धड़ाधड़, फिर कहोगे बाबूजी आज नहीं है, कल परसों आना, चेक ले लो, पता चला जूते हमारे घिस गए। भाई साहब हम आपको जानबूझ के परेशान नहीं कर रहे, बाजार की स्थिति वाकई बहुत ज्यादा खराब चल रही है। देख बेटा, जो मैंने बोलना था ना वो तेरे को बोल तो दिया मैंने, और एक चीज और है, तेरे से मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, और तू खुल के काम कर, बस एक थोड़ी सी मेरी विनती सुन ले, जो तूने मेरा पिछला पैसा देना है ना, है वो मुझे एक टाइम बता दे कि इस दिन बाऊजी आप पेमेंट लेने आ जाओ, मेरे को चक्कर लगाना देख अच्छा नहीं लगता, और मैं तेरे पास पहली बार आया, मेरे लड़के ही आते हैं तेरे पास, तो इसलिए प्लीज। भाई मुझे 10 साल काम करते हुए हो गया, यहाँ पे पहली बार किसी बंदे ने इतना सुना के गया, कारण क्या है? भाई गलती ना उसकी नहीं है, गलती हम दुकानदारों की है, वो अगला तो जाते जाते ये कह गया कि भाई खुल के काम कर, हम दुकानदारों ने अपनी आदतें इतनी खराब करी हुई है, जब तक सामने वाला चार चक्कर ना लगा ले, चार बातें ना बोल ले, हमारी जेब से पैसे नहीं निकलते, और यही कारण है कि हम दुकानदारों से सामने वाले का विश्वास उठता जा रहा है। रूठे रूठे